हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लेगीशा फूड ब्लॉग। तो आज हम आंवला और हरी मिर्च का अचार बनाने जा रहे हैं और आंवले के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो कहा जाता है कि आंवला एक फ़ायदे अनेक, तो आज मैं आंवले के बहुत सारे आपको फ़ायदे बताऊंगा। तो सबसे पहले आंवले को हम ठंडे पानी के अंदर अच्छी तरह से धो लेंगे, क्योंकि इसमें जब भी आंवला उतरता है तो इसमें गंदगी चिपकी रहती है। तो अच्छी तरह से मुठिया बांध के आपको इसकी गंदगी साफ़ कर लेनी है, ठंडे पानी से धोना है। और सबसे पहले हम आंवले को बॉईल करेंगे। तो आंवला हमने कुकर में डाल दिया, जब तक बॉईल होता है जब तक हम हरी मिर्च को धो लेंगे। और हरी मिर्च को धोने के बाद में हम इसके बीज निकालेंगे। तो देखिए, आंवले के काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा जो फ़ायदा ये डाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छा होता है और डायबिटीज़ के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि इसके अंदर क्रोमियम होता है और वज़न घटाने में भी मददगार होता है। क्योंकि जो आंवले का जो पाउडर होता है, अगर इसको आप शहद और गुनगुने पानी के साथ में पियेंगे तो कुछ ही दिनों में आपका वज़न कम होने लगेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम हरी मिर्च के जितने भी बीज हैं इसको निकाल दिए, क्योंकि कहा जाता है हरी मिर्च के बीज से स्टोन क्रिएट होता है, यानी पथरी बनती है। तो हमेशा जब भी हरी मिर्च यूज़ करें तो इसके बीज निकाल दें। तो यहाँ हम हरी मिर्च को बारीक बारीक काट रहे हैं। और जो आंवला होता है ये इम्यूनिटी बढ़ाता है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, तो इम्यूनिटी के लिए काफ़ी अच्छा है और हार्ट के लिए तो काफ़ी अच्छा है ये, क्योंकि इससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह से होता है और कहा जाता है यूरिन इन्फेक्शन से भी बचाव करता है ये। आंवला खाना चाहिए जिनको यूरिन की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और ख़ास तौर पे देखिए, यहाँ हमारे आंवले उबल चुके हैं और अभी हम इसका जो पानी है ये स्ट्रेनर से निकाल देंगे, जो भी बचा कुचा पानी है। और उसके बाद में इसके जो बीज हैं वो हम गुठलियाँ, जो भी इसकी जो गुठलियाँ हैं वो हम अलग करेंगे। तो आंवला और हरी मिर्च का अचार बनाने के लिए हम लेंगे हरी मिर्च और पीली राई लेंगे, और इसके साथ में सौंफ लेंगे, और सौंफ के साथ में हम ये जो काली कलर की है कलौंजी लेंगे। तो यहाँ हमने पीली राई, सौंफ और कलौंजी ली है। तो हमारे देखिए गुठलियाँ अलग कर दी है आंवले की। और यहाँ हम कढ़ाई के अंदर तेल लेंगे सरसों का, उसमें थोड़ी सी हींग डाल देंगे, उसके बाद उसके बाद सरसों डालेंगे, और सरसों के बाद पीली राई डालेंगे, उसके बाद हम कलौंजी डालेंगे और चम्मच से हिलाएंगे। तो गैस की फ्लेम मीडियम रखनी है। उसके बाद हमने यहाँ हरी मिर्च डाल दी है। और जो आंवला है वो भूख बढ़ाता है, तो भोजन से पहले मक्खन शहद के साथ में आंवले के पाउडर का सेवन करने से भूख बढ़ती है। आंवला बुखार, अपच की समस्या यानी डाइजेशन की समस्या, एनीमिया में भी फ़ायदेमंद होता है। इससे आंवला खाते हो तो खून बढ़ता है। तो सबसे पहले देखिए, हम थोड़ा सा हल्दी डालिए, उसके बाद हम नमक डाल रहे हैं इसके अंदर, हल्दी नमक डाल रहे हैं, और चम्मच से आपको मिक्स करना है अच्छी तरह। जो गैस की फ्लेम है वो आपको मीडियम रखनी है। उसके बाद आंवला डाल देंगे। और कई लोग तो आंवले के पाउडर को बाल काला और घना करने के लिए यूज़ में लेते हैं, तो बाल काले और घने होते हैं। तो काफ़ी सारे फ़ायदे हैं आंवले से। तो अच्छी तरह से हम हिलाते रहेंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है। और कुछ देर पकाने के बाद में हमारा आंवले का अचार तैयार होगा। तो सबसे पहले देखिए, हम लाल मिर्च पाउडर डालना भूल गए थे, तो हम लाल मिर्च पाउडर भी हमने लास्ट में डाल दिया है। तो ये आज की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हमारा आंवला और हरी मिर्च का जो अचार है वो लगभग बन के तैयार हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।